हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, हमने 2 दिन का रेस्ट लिया ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद, और हम अपने दूसरे पड़ाव पर निकल चुके हैं। तो देखते हैं हम कहाँ लेके जाते हैं। इस टाइम पे हमने गाज़ियाबाद क्रॉस कर लिया है और उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। गढ़गंगा है, गढ़मुक्तेश्वर है, क्या है? गढ़मुक्तेश्वर है और ये गढ़गंगा है। ओके ओके, सूख गई है ये तो। और क्या है आगे? देखो वो मैकडॉनल्ड्स के पास चलते हैं, साइड लेन ले। मोगा ठंडा सही लग रहा है, तड़का नहीं है। नहीं, मजा नहीं आ रहा, तड़का नहीं लग रहा है। एक बार हमने यहाँ खाया था, पीयू हवेली में, याद है तुझे? नहीं, खाया था हमने यहाँ नैनीताल से। गजरौला आ गए हैं और आते ही यहाँ पर काफी ईटिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस स्टॉप है। डोसा का शायद फर्स्ट लग रहा है। अरे वो आगे है ना, यहाँ पे उतर लिए हैं। अब हम लोग चले गए यहाँ से, मैकडी उतर गए, कहाँ जाते हैं? देखो कहाँ जाते हैं, तो नॉर्मली हो गया है। ये मैकडी है, यहाँ पे खूब गाड़ी वाड़ी सही बना रखा है इन्होंने, पॉइंट ड्राइव थ्रू भी बना रखा है। यहाँ से जाएंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद नॉन स्टॉप चलेंगे, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता, फिर हम सीधे ही चलेंगे। पीयू क्या रह गया? हाँ तो चल, तो चल चलो, अब हम लोग जा रहे हैं। पेट पूजा करने के लिए। क्या पूजा करने के लिए? कितना खाएगी? अच्छा बता दे क्या खाएगी आज? चाय तो नहीं गिरेगी जैसे पिछली बार गिरा था? चाय ट्रिप शुरू ही हुआ था, चाय तो ले लियो। चलो अंदर, ये देख आउटलेट्स भी खुले हुए हैं पियो, मस्त। ओहो बढ़िया, टाइम पे नहीं आए हम, नहीं तो यहाँ पे मस्त सेल लग रही थी पियो, फुल मस्त एकदम। सारे आउटलेट है यहाँ पे, ये देखो ना, रीबॉक, यूसीबी अप टू 50% लिख रहा है, फ्लैट ये मुक्ति का लिख रहा है ना, प्यूमा का लिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे सारे आउटलेट है, पूरा सारा कुछ है। हाँ एडिडास, ये रेड चीफ वगैरह सारे देख, सही बना रखा है ये, है ना। चलो अब अंदर चलते हैं, नाश्ता करेंगे, देखते हैं। फिर मेरा तो वही कर देना, स्पाइसी पनीर को अपना देख लिया कौन सा खाएगी, है मेरा स्पाइसी पनीर कर दियो, ये पता नहीं कौन सा खाएगी, कौन सा खाएगी। चलो चलो, ये ऑर्डर के लिए गई है,
पता नहीं कहाँ चली गई, खोई गई, गायब भी हो गई, कहाँ गई ये ऑर्डर देने। ओ बहुत कोने में जा करके, ये बबलू हमारा खड़ा ही है बाहर, धूप बहुत तेज है यहाँ पे। सही है, यहाँ पे आराम से नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर तो नॉन स्टॉप चलेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। दोपहर को 1-1 बजे करीब पहुँच जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं, पता लगेगा जब हम पहुँच जाएंगे आप लोगों को भी। और उसके बाद फिर हम वहीं पे ही पहुँच करके लंच करेंगे, एंड देन आते हैं अगले 2-3 दिन घूमते हैं पहाड़ों में। फिर से बैक टू बैक हो गया, थोड़ा सा एग्जर्शन ज़्यादा हो गया क्योंकि परसों ही मुंबई से आए थे और उसके बाद टाइम रहा नहीं, दोनों दिन कंटिन्यू ऑफिस किया। But let's see how does it go? देखो कितना सारा सामान लेके आई है, सुबह सुबह का नाश्ता है इसका, ये खा लिया है, चलते हैं। अभी एक दोस्त मिल गई थी पुरानी, बताओ दुनिया बहुत छोटी है यार, लोग कहीं भी मिल जाते हैं, तो अभी ये मिल गई थी, चले चल। तो चल रहे हैं हम लोग, यहाँ से उठ के जा रहे हैं, उसके बाद अब सीधा वहीं पे ही रुकेंगे अल्मोड़ा ही और चलते। हाँ, चलने के बाद हम लोग जाएंगे। गर्मी बहुत तेज़ है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ से निकलते निकलते अपने को टाइम भी बहुत लगेगा और उसके बाद पहुँचने में तो लगना ही है, मतलब सी दोपहर तक पहुंच ही जाएंगे। सो फाइनली अपनी राह के तरफ अल्मोड़ा 118, नैनीताल 64, हल्द्वानी 25 किलोमीटर दूर है हम अपनी मंजिल से। तो फिर ये नीचे मेरे ख्याल से ये रास्ता शुरू हो गया शक्ति, पहाड़ों पहाड़ों टाइप्स ना, दोनों तरफ पेड़ पेड़, देहरादून जैसी फीलिंग से आ रही है। आप क्या कह रहे थे? 26.5 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी कुछ ज्यादा ही है अभी। हाँ गर्मी है, बट ऑल्सो हमने शीशे भी तो ऊपर करे हुए हैं यार, कोई फ्रूट खिला दो यार, अमरूद खिला दो प्लीज, कितने बड़े बड़े साइज के हैं। सो नैनीताल अल्मोड़ा की तरफ जाते हुए आपको ये जगह क्रॉस करनी होती है, ये जगह है हल्द्वानी, रुद्रपुर के बाद पड़ता है ये, और काफी मतलब बसावट है यहाँ पे, पुराने टाइम की काफी शॉप्स हैं और अच्छा खासा मतलब डेवलप्ड है, सब तरह की चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, काफी पुराना शहर है ये। फिर मैं बोलने वाला था काफी पुराना शरीर है ये। I think you're tired. सच में यार, तो पहाड़े आ जाएंगी पर पहाड़ भी नहीं आई, प्लेन है ऊपर से, बस इसके बाद आ जाएगा ना, वो दिखा रहा था काठगोदाम यहाँ से 9 किलोमीटर है। हाँ। काठगोदाम इज पहाड़ी क्षेत्र, तो वो होगी देखने। अराइव्ड, अराइव्ड बता रहा है, हल्द्वानी डाला था ना मैंने। हाँ देर में देखिए कितनी भीड़ है, अब इसको जरा कंपेयर करना हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग वाले जो रास्ते थे डेस्टिनेशंस, वहाँ पर कितनी भीड़ थी और यहाँ कितनी है, वहाँ बिल्कुल भीड़ ही नहीं होती है रास्ते में, आज शहर का शहर गुजर जाता है लेकिन कोई भीड़ ही नहीं दिखती है। ओके सब हम एक होटल में आ गए हैं, बीकानेर वाला का ये पड़ा हमारे को बीच में जॉइंट, और अच्छी जगह है, यहाँ से आप कुछ भी अगर ऑन द वे जा रहे हो नैनीताल अल्मोड़ा और आपको भूख लग रही है या थोड़ा फ्रेशन अप होना है तो ये एक अच्छी जगह है, साफ वॉशरूम्स हैं और खाने पीने का अच्छा प्रोविज़न है। तो आजकल होली चल रही है तो यहाँ पर काफ़ी भुजिया वगैरह के आइटम्स हैं, जैसे भुजिया केसर ड्राई फीकी, जिसको अगर शुगर का प्रॉब्लम है नहीं तो ये देखिए चाशनी से भीगी हुई भुजिया, ये है ड्राई भुजिया, सब मावा वगैरह किए हुए। तो यहाँ पर चाहे तो आप खुद से भी ले सकते हो जो गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, या आप उनको गिफ्ट हैम्पर्स को कस्टमाइज़ करके भी बना सकते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है कुल मिला के हर तरह के कस्टमर्स के लिए।
मुझे ये थोड़ा बेहतरीन ऑप्शन लगा। और कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ पे। आप तो मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें इनसे मंगवाई हैं और अरेंज करने के लिए कहा है, किसी ने कुछ मना नहीं किया। एंड वेरी वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी। मैं अमेज्ड थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ हल्द्वानी जैसी जगह में हमारे को इस तरह की सर्विस मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ये भी गए हुए वॉशरूम फटाफट यहाँ से पास करके फिर निकलते हैं। वेल वेल वेल। और यहाँ की ये बड़ी फेमस मिठाई होती है, जब भी आप अल्मोड़ा की तरफ आएंगे, नैनीताल की तरफ, ये आपको ज़रूर दिखेगी। ये है यहाँ की बाल मिठाई और ये है बाल चॉकलेट। ये तो मतलब मस्ट है, शान है ये अल्मोड़ा की। जैसे कि हमारे कज़न्स ने हमने बताया है पूरे बचपन में, और ये मिठाई ये लोग ज़रूर लाते थे जब भी आते थे। और यही नहीं, एज अ गुडविल जेस्चर अभी मुझे ये चाय भी मिली है आप पीने के लिए। ओ हो हो, बहुत खातिरदारी हो रही है मेरी। राहुल अंशुल देख लो, इंस्टा पे है इनका अकाउंट, देखो @बीकानेर वाला। है क्या नई चीज थोड़ी ना है, पुराना ब्रांड है। पर मज़ा आ गया सर्विस का ना, सर्विस बहुत अच्छी। भैया क्या आपका नाम है? सौरभ। भैया बहुत अच्छी सर्विस थी, थैंक यू। सीरियसली बहुत अच्छी सर्विस थी। और मुझे ये जो चाय मिली है ना, मतलब चुम्मेश्वरी चाय है। बहुत टाइम से ऐसी चाय नहीं पी, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल भी नहीं। डन डन डन। ये वाले जो भैया थे, इन्होंने मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा ही हेल्प करी है। थैंक यू भैया। वांडर्ड हो गया ये भी ना। खैर चहल पहल तो यहाँ पर पहले से ही थी जब हम लोग बचपन में आए थे, बट अब थोड़ा सा और मॉडर्न सा हो गया और अच्छा लग रहा है। बच्चे वगैरह मुझे तो यहाँ पर स्मार्ट लग रहे थे जितने भी मुझे मिले बीकानेर वाला के अंदर। तो सही चल रहा है यहाँ पर भी एजुकेशन वगैरह का सब कुछ। ब्रांड्स भी काफ़ी हैं यहाँ पे। आप बताओ शक्ति, ऐसा कुछ हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जयपुर को छोड़ के, और महाराष्ट्र में थोड़ा मोड़ा नासिक में हमारे को दिखा, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा जैसे जो खाने पीने के जो ब्रांड्स हैं वो वहाँ पर नहीं दिख रहे। ये कह सकती है ना, मतलब कैफे कॉफी डे हमारे को एक दिखा और कोई भी कैफे नहीं दिखा, ढाबे ही ढाबे दिख रहे थे। नहीं, ये बात तो तू सच कह रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं, माननी पड़ेगी तेरी बात। पूरा बढ़िया बना रखा है, वैसे नहीं सिचुएशन अच्छा है। ऐसा नहीं था यार वहाँ पर, नहीं था ऐसा। ये लो सबवे भी दिख गया, कुछ साल पहले भी आए थे यहाँ। हाँ। तब भी ठीक था, तब अच्छा भी था। हमारे को यहाँ पर अच्छा लग रहा था, लेकिन हम इतना ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए नहीं जा रहे थे। ब्रांड्स वगैरह पूरे सारे ब्रांड्स हैं यार, ये देख के लग रहा है कि मतलब कितना ज्यादा स्कोप है बाकी के स्टेट्स में भी। क्या है बर्गर किंग, ये मॉल है व्यू वेस्ट साइड वगैरह, पेंटनूंस कार्निवल सिनेमास, ये मॉल है इनका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये फॉर्च्यून मॉल, ये व्यू अच्छा। मैं बता दूं, ना ही ऐसा कुछ कश्मीर में आपको देखने मिलेगा। कश्मीर में भी नहीं है और सेंट्रल इंडिया में भी नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे तो। अभी हम ऊपर चलो ना, हम तो वैसे लोग, बाकी हमारे सारे व्यूअर्स भी जाते रहते हैं नैनीताल वगैरह, तो वहाँ पर तो है ही है, देखो सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसे टूरिस्ट प्लेस से पहले जो जगहें पड़ती हैं वो थोड़ी बहुत डेवलप्ड होती हैं, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पर ओवरऑल। नहीं अब सामने सामने पहाड़ शुरू हो गए हैं, देखते हैं कहाँ, क्या कहते हैं, काठगोदाम पहुँच के। पहाड़ों पे भी कितनी गर्मी हो रही है इस वक्त, देखना
ऊंचे पहाड़ तो है पी, पर ऐसे पहाड़ नहीं दिखे थे एमपी और महाराष्ट्र में। ये यही मिल सकते हैं नॉर्थ में। 50% छोटे थे वहाँ के पहाड़, डाइनिंग टेबल की स्लैब की तरह थे। वो तो देखो हर जगह जगह का अपना लैंडस्केप होता है। और यहाँ देख नॉर्थ में क्या बेहतरीन है, ऊंचे पहाड़ एकदम गर्दन उठानी पड़ती है, वहाँ सारी पहाड़ सीधी नजर की नीपी नीचे चली जाती है। अब अपने को ये लेना है शुरू हो गए पहाड़ राइट लेना है काठगोदाम के लिए। हाँ इस तरफ जा करके ओहो बद्रीनाथ और करण प्रयाग भी इसी तरफ है। इस रास्ते में से भी रास्ता निकलेगा केदारनाथ बद्रीनाथ और करण प्रयाग। ये तो तीनों जगह हम जा चुके हैं। मैं बोलने ही वाली थी कि वैसे वैसे से ही दिख रहे हैं माउंटेन्स, गहरे हैं ना देख। उत्तराखंड में है यार गहरे माउंटेन्स नहीं? गहरे कैसे कह सकते हो, गहरी वैलीज होती हैं, माउंटेन्स तो ऊंचे होते हैं। गहरे से मेरा मतलब है कि डीप दिखते थे कि उनपे जंगल कितना दिखता है। हाँ घने हैं। पहाड़ देख लो, ओह माय गॉड आगे हम पहाड़ों में। ये नहीं भाई बिना पहाड़ों के नहीं। अरे तो पहाड़ों में विजिट बनता है ना। अभी तो आई थी जनवरी में। अच्छा कहाँ से? कश्मीर से। ओह अच्छा, तो वो तो मतलब अलग ही देश का वो फील देता है। क्या करूँ मैं, पहाड़ तो अपना ही फील देती है। वैसे तो बात सही है, नहीं बात तो सही है, हमारा ही देश है कश्मीर भी, और अच्छा था वहाँ का भी ट्रिप। बट एक छोटी छोटी डेस्टिनेशन जो होती है ना एनसीआर के पास, वो वहाँ पर जाने का एक अलग भी मज़ा होता है। फटाफट पहुँच जाओ, फटाफट घूम फिर के आ जाओ वापस काम पर, तो इसका एक अलग ही मज़ा है। ये यही है आज ये जो सारी जनता आ रही है ना नीचे वापस भी, बहुत ट्रैफिक आ रहा है यार। ये सारा आज वही है कि शनिवार को नीम करोली बाबा के हैं ये दर्शन करके आ रहे हैं। हाँ हो सकता है, हो सकता है। अच्छा भीमताल है यहाँ पे। मतलब भीमताल लेक में भी जा रहे हो? ऐसे आजकल ना नैनीताल ना जाके लोग भीमताल ज्यादा जाते हैं, कहते हैं नैनीताल में ज्यादा भीड़ है तो भीमताल चले जाते हैं। वाओ भीमताल आ गए दोस्तों, ये लीजिए देखिए फर्स्ट लुक भीमताल। नैनीताल के साथ साथ आजकल भीमताल भी बहुत फेमस हो रहा है, और क्योंकि ये पड़ेगा कैंची धाम के तरफ तो इसलिए यहाँ पर मेरे को लगता है इसी वजह से यहाँ पर भीड़ है। नहीं शक्ति भीमताल भी लोग आते हैं बोटिंग कर लेते हैं और उधर दर्शन भी हो जाते हैं, दो पर्पस सॉल्व हो जाएंगे अगर आप भीमताल आते हो तो। और अल्मोड़ा जाना है तो बहुत सारी चीज़ों को पर्पस सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए रास्ते में। कैंची धाम की तरफ क्रॉस करते हुए जिसे आप देख रहे हो, एक मेरे ख्याल से जैसे फोटोज में हम देखते हैं ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है फिर मंदिर पड़ता है, ऐसे ही होता है ना। और रास्ते में पूरे हैं होटल्स कैफेज बहुत अच्छे अच्छे हैं स्टे वगैरह के लिए, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आने में दिक्कत नहीं होगी। और आप देख रहे हो यार कितनी भीड़ है और बड़े मतलब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आप भी देख लो दर्शन करो कैंची धाम के, हम भी करेंगे, हम तो लौटते हुए जब आएंगे तब करेंगे। इसी मंदिर का हम बता रहे थे आपको कि सैटरडे बीट बीइंग अ सैटरडे, और क्योंकि नीम करौली बाबा हनुमान जी के भक्त थे तो सैटरडे को ज़्यादा ही थोड़ी भीड़ दिखती है यहाँ पे। कितनी भीड़ है देखो, ये आप थोड़ा ज्यादा फेमस हो गए। तो हम अपने निकले हुए हैं अल्मोड़ा जाने के लिए, तो अल्मोड़ा के रास्ते में ये सारी जगहें आती हैं जैसे कि हल्द्वानी आता है, फिर भवाली आता है, भीमताल आता है। इसी तरह से अब हम अभी कैंची धाम को क्रॉस करते हैं और देखिए नीम बाबा नीम करौली की तस्वीर यहाँ पर काफ़ी सेलिंग सेल करते हैं, सेलिंग आइटम है यहाँ पे
लोग अपनी श्रद्धा से लेकर जाते हैं। और जब तक हुआ रही भी हो यहाँ देखिए कॉटेजेस बने हुए हैं कमरे कुमरे लेने के लिए लॉज की तरह। हाँ लॉज की तरह होटल भी थे जैसे आगे पीछे ये होम स्टे कुछ कुछ तो होटल बहुत सुंदर थे छोटे बड़े हर तरह के हैं तो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है। करोली बाबा की फोटो है पूरा होटल है मान्यता काफी है। आजकल थोड़े सेलिब्रिटी ज्यादा आने लगे हैं तो ट्रेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे भी अच्छी बात है। इंडिया में भी तो इतनी सारी चीजें हैं जिससे आजकल शायद हमारे को पता भी नहीं होंगी तो कम से कम थैंक्स टू यूट्यूब हमारे को अब ये चीजें दिखती हैं और सामान्य ज्ञान बढ़ेगा बढ़ रहा है इस तरह से तो बहुत ज्ञान बढ़ रहा है दुनिया क्या से क्या ज्ञान में पहुंच जाती है यूट्यूब देख करके। खाना क्या पीना क्या घूमना क्या रहना क्या बनाना क्या मकान कैसे बनाना है क्या मटेरियल यूज करना है किस तरीके से करना है अबे हर चीज तो यूट्यूब पे मिलती है। सच में थैंक यू यूट्यूब को दुनिया का घर चला रही है यूट्यूब आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल अपना लॉकडाउन के बाद तो मैनिफोल्ड हो गया है बहुत ज्यादा खराब सा आया है पत्थर गिरे हैं यहाँ पे ये खैरना है गर्म पानी नामक जगह है ये नीचे हमें एक नदी दिख रही है ये कोसी नदी है शायद यहाँ का पानी गर्म होता इसीलिए गर्म पानी है। एक ब्रिज भी पड़ा था पीछे कॉलोनियल टाइम का है ये तो काफी पुराना है पर हाँ ये वाला रास्ता ये वाला रोड थोड़ा सा खराब मिला है हमारे को। कैची धाम तक रोड ठीक है बेरेबल है उसके बाद से थोड़ा रास्ता है मतलब गुंजाइश है इसमें सही करने की पर पत्थर ही गिर जाते होंगे ऊपर से फिर रुक जाता है देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं अल्मोड़ा। क्या गजब बना रहे गजब गजब दिख रहा है एकदम है गिरा हुआ ये देख रास्ता बना रहे ना यहाँ पे चौड़ा कर रहे हैं ना रास्ता पत्थर गिरते होंगे यहाँ से जरूर लैंडस्लाइड हुआ ये बस वही मेरे तो कान में वो हो गया है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मेरे भी हो ही रहा है हो गया ना आई जस्ट हेट दिस आई हेट दिस ये लेके दोस्तों नदी चल रही है ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ नीचे सारे पत्थर नीचे गिरे हां तो उन्होंने क्लियर किया होगा फिर से वो बजरी वाला रास्ता आ जाएगा। ये पेड़ गिरा हुआ है लैंडस्लाइड के साथ साथ टूटने दिख ही रहा है ये देख लैंडस्लाइड ताजा ही लग रहा है मुझे तो कुछ क्या नहीं ताजा तो नहीं है खैर क्योंकि एम्बेडेड है वो भी सकता है हो सकता है। अब ये क्या गुफा बना रहे हैं नहीं होगा उसको क्लियर करेंगे मलबा जो गिरा है वही का तो शायद बताना अपना क्वेश्चन दोबारा पूछना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कई बार दिखता है ना वो अकेले पहाड़ पे इतने बड़े पहाड़ पे अकेला कहीं लाइट जल रही होगी कोई घर बन रहा होगा समझ में नहीं आते कि वहाँ पे अकेला घर बना करके कोई रहता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहाड़ पे आप देख रहे हो ये वाला तो ये यहाँ पहुँचते कैसे बंदा क्या करने जाता है क्योंकि यहाँ रोड दिख नहीं रही है जन जीवन कैसे जीते क्या जीवन होता है समझ से बाहर है ये इस बच्चे की कौतूहलता है। मैं जरूर जानना चाहूंगा अगर कोई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना तो क्या नाम काकड़ी काकड़ी ऐसी कुछ था ना काकड़ी काकड़ी घाट काकड़ी घाट काकड़ी घाट वो जगह है दोस्तों जहाँ पर विवेकानंद जी आए थे और उनको ज्ञान अर्जित हुआ था ध्यान साधना करने के लिए यहाँ से प्रेरित होकर वो गए थे करसार देवी टेम्पल। लो मून भी दिखने लगा इस टाइम पर ये कैसा शक्कू क्या चांद कैसा दिख रहा है तो उधर सूरज है ये
लॉजिक नहीं पता सच में। क्लियरली रोड्स में खोए हुए हैं हम, क्योंकि थोड़ी सी खराब रोड्स मिल रही है। कहाँ कहाँ? कुसानी अल्मोड़ा इस तरफ है, मुक्तेश्वर रामगढ़ उस तरफ है, जागेश्वर कुसानी चितई दीना चितई मंदिर है ये, अल्मोड़ा इस तरफ है। ये ब्रिज को क्रॉस करते हुए देखते हैं तो उधर एक कोई किनारे रिजॉर्ट है वो बने हुए हैं टेंट हाउस। पूरी बॉडी हिल गई इतनी देर में। ये लो सन भी कैप्चर कर लिया हमने, बहुत धूप है। मंदिर पड़ा था यहाँ पे, चश्मे का भी कोई असर तो हो नहीं रहा इस पे, नहीं हो रहा। हम अल्मोड़ा पहुंच गए हैं एंड मासी के यहाँ आ गए हैं। हमारा टारगेट ये था कि हम पहले मासी से मिलेंगे और फिर हम देखेंगे आगे। और अल्मोड़ा में बहुत सी चीज़ें हैं घूमने के लिए, बहुत सालों बाद मैं इधर आई हूँ तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है, बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। अभी मेरे कज़न से आनी है, वो होली पर आएंगे तो देखते हैं कि हम उनसे मिल पाते हैं कि नहीं। बट हाँ, मासी है हमारे साथ और मासी ने हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया। और इतना खाना खिलाया कि अब हम थक गए, इस वजह से हम बाहर की कोई वीडियो अभी बना नहीं पाए हैं। बट हाँ, सुबह उठते ही आप लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएंगे और देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या विजिट कर पाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अब कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।